मैनपुर विकासखंड देभोग थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत झरगांव में आए दिन देशी शराब बिक्री तेजी से बढ़ने लगा है, जिस पर रोक लगाते हुए गांव के ग्रामीणों की सहमति से मितानिन एवं समूह की महिलाओं द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि अक्सर ग्रामीण अंचल में देसी शराब के कारोबार तेजी से चल रहा है। गांव-गांव में देसी शराब बनने के कारण आए दिन छोटे बच्चे भी नशे का शिकार बनते जा रहे हैं। मामला ग्राम पंचायत झरगांव का है, जहां अवैध तरीके से देसी शराब महुआ दारू का निर्माण एवं बिक्री जोरों से चल रहा है, जिसके कारण गांव में माहौल खराब होने लगा है और शराब का शिकार बच्चे भी होने लगे हैं। बच्चे बूढ़े शाम होते ही शराब पीने पारा मोहल्ले में भीड़ लगा रहे हैं और देर रात तक शराब पीकर अनाप शनाप बातें करते फिरते हैं, जिसके कारण गांव के महिलाएं काफी परेशान हैं। शराब के नशे में शराबी ना जाने क्या क्या बातें करते होंगे, जिनसे महिलाएं परेशान रहते हैं। इसी माहौल को देखते हुए गांव के मितानिन एवं ग्रामीणों के परामर्श से ग्राम पंचायत झरगांव के मितानिनों ने जिला कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है कि गांव में अवैध शराब बिक्री एवं निर्माण को रोकने उचित कार्रवाई कर अवैध शराब निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने को लेकर आवेदन कलेक्टर को दिया गया है। जी हाँ, बताएंगे जो आप आवेदन दिए हो कलेक्टर महोदय जी को, क्या आपको क्या आश्वासन दिया गया है? मैं श्रीमती प्रेमा पाथर मितानिन हूँ जी। हम लोग इसलिए आए हैं कि हमारे गांव में दारू बहुत बना रहे हैं, फिर बच्चे लोग भी ज़्यादा पी रहे हैं, इसी के कारण दारू को बंद करने के लिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि यहाँ आके हमको सहयोग मिले, तब जाके हम लोग आगे कुछ भी कर सकते हैं। तो कलेक्टर महोदय का क्या आश्वासन दिया गया है? कलेक्टर महोदय बोले हैं आगे देखते हैं, बोले हैं कैसे, मतलब कार्रवाई होगी निश्चित। हाँ, ऐसे तो बोल रहे हैं होगा, जरूर होगा बोले जी। हाँ जी, हाँ बताएंगे आप लोग यहाँ पर किस मुद्दे को लेकर पहुँचे हुए हैं? मेरा नाम श्रीमती गुमती यादव है, मैं देहांत ट्रेडर हूँ, सक्रिय मिला कार्य करती हूँ। हमारे गांव में ना दारू बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिसका शिकार बच्चे लोग भी हो जा रहे हैं, और जैसे कि दारू जैसे बढ़ता जा रहा है ना, वैसे हमारे गांव का विकास भी पूरा नष्ट हो जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि मितान के दीदी लोग और ध्यान के ग्रेडर लोग और पंच सरपंच लोग के सहमति से हम लोग ना ये दारू भट्टी बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कलेक्टर साहब हमारे से बात पर ध्यान दें और सख्त से सख्त कार्रवाई करें। दारू बंद करने वाले तो क्या बोलते हैं। मैनपुर से ईश्वर सिंह यादव की रिपोर्ट, बस देखते रहिए सी डिवीज़न टीवी।